गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका मैथ्स में टॉपिक है 3D एंड 3E एक्सरसाइज। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं ऐड कैसे किया जाता है, ऐड हम किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए थे। फिर आज हम 3D में भी ऐड ही है, 3D, 3E एंड 3F में ऐड है, पर आज आपका चैप्टर 3D एंड 3E आज हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन जो है यह एट द फॉलोइंग, एट द फॉलोइंग आप इसमें देखिए कि ये जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो कॉलम में अरेंज है। तो ए नंबर क्वेश्चन है इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, आपका मतलब 3A, 3B एंड 3C जो पढ़े आप उसमें क्या था, 2 डिजिट नंबर आप पढ़े उसका ऐड था, 3 डिजिट नंबर का ऐड था। और अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि आप बुक में देखिए 3D जो है चैप्टर आपका उसमें क्या है, वो 4 डिजिट नंबर का ऐड है। इसमें जो ऐड है क्या है, 4 डिजिट नंबर का है। अब बुक मेरे पास है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, 1, 10, 100, 1000 लिख दिए, 1, 2, 4, 5 फिर है 3, 1, 4, 2 ये क्या है, ये ऐड करेंगे। आप इसमें देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, विदाउट कैरी है, इसमें कैरी नहीं है, तो इसको हम सिंपली ऐड करेंगे। आपको स्टेप वाइज बताए थे, आज हम फिर से इसको स्टेप कर देते हैं, स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इसमें क्या है, आपको हम बताए थे कि सबसे पहले क्या ऐड करते हैं, वंस, क्या करेंगे, ऐड वंस। स्टेप 1 में क्या होगा, ऐड द वंस, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग कॉपी में डायरेक्ट कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन लिखिएगा और उसके बाद आंसर कर दीजिएगा। सिर्फ ये हम समझाने के लिए कि ऐड कैसे किया जाता है वो हम आपको पूरी डिटेल्स में बता रहे हैं। तो स्टेप 1 आपका है ऐड द वंस, वंस प्लस पे क्या है, 3 और 1 है, तो 3 प्लस 1 करें तो क्या होगा, 4, तो यहां क्या लिख देंगे, 4। इसमें कैरी नहीं है क्योंकि 4 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। स्टेप 2 में क्या होगा, ये होगा एट द टेंस, टेंस प्लस पे क्या है, सेकेंड स्टेप है, ये तो फर्स्ट स्टेप आप मेरा हो गया, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, टेंस, तो टेंस प्लस पे क्या है, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। फिर क्या होगा, 3 स्टेप में क्या होगा, एट द हंड्रेड, हंड्रेड, हंड्रेड प्लस पे क्या है, 4 और 4 है, तो 4 प्लस 4 क्या होगा, 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर क्या होगा, एट द थाउजेंड, एट द थाउजेंड, थाउजेंड प्लस पे क्या है, 5 है और 2 है, तो 5 और 2 लिखेंगे, 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 7, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे। तो मेरा ऐड क्या है, कंप्लीट हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कैसे हुआ, क्वेश्चन लिखिएगा उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। ये स्टेप से समझाने के लिए आप लोग कॉपी में नहीं करना, आपको बस आप लोग वीडियो देखिएगा, समझिएगा कि ऐड किस तरीके से किया जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले ऐड लिखे, उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, 4 स्टेप में ये ऐड पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3D का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। आपका हम सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख चुके हैं, देखिए अरेंज इन कॉलम एंड ऐड, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कॉलम में अरेंज करेंगे। कॉलम में अरेंज कैसे करते हैं, तो वो प्लेस वैल्यू चार्ट पे, प्लेस वैल्यू चार्ट जैसे आप लोग बनाते थे, 1, 10, 100, 1000 वो लिखेंगे और उस पर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1, 10, 100, 1000 हम ये लिखे, ये 4 डिजिट नंबर है, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है तो 4 डिजिट तक हम लिख लिए, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, जब भी लिखेंगे तो हम राइट हैंड साइड से डिजिट को लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या है 0, 7, ये जो नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे नंबर को, वो राइट हैंड साइड से, ये आप लोग को मालूम है, 0, 7, 5 और 4,
ये हो गया। फिर सेकंड सेकंड नंबर क्या है, 3419, तो 9143 ये हम ऐड करेंगे। तो इसमें पहला स्टेप क्या था, अरेंज द नंबर करेक्टली इन कॉलम्स, मतलब इन कॉलम में हम क्या किए, नंबर्स को पूरा करेक्टली मतलब सही तरीके से लिख लिए। स्टेप टू में क्या होगा, तो ऐड वंस, पहले हम वंस प्लेस को ऐड करेंगे। तो ये क्या है, 9 है और यहाँ पे 0 है, अगर किसी भी डिजिट को अगर हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो वो डिजिट सेम रह जाता है, समझे। 9 को अगर हम ऐड करेंगे 0 से तो क्या होगा, हमको 9 ही मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे। 7 को अगर हम 1 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 718, टेंस प्लेस पे क्या हुआ, 8 हो गया। फिर क्या है, 4 और 5 क्या होता है, 4 और 5 में क्या होगा, 9 या 5 और 4, अगर हम लोग नीचे से ऊपर ऐड करें ऊपर से नीचे ऐड करें तो वो दोनों सेम होगा, जैसे 5 प्लस 4 करेंगे तो ये 9 होगा, या 4 को पहले हम 5 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों 9 होगा, आप जैसे भी ऐड कर सकते हैं वो सही होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। फिर क्या, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7, तो आपका आंसर ये हो गया। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें टोटल नंबर जो है आपका ए बी सी डी ई एफ एफ नंबर तक है, तो ये जो है ऐसे ही दिया हुआ है, आपको क्या करना है, पहले कॉलम में अरेंज करना है पूरा सही तरीके से, उसके बाद आपको ऐड करना है ये, तो आपका ये पूरा सही बनेगा ऐड, और थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे 3E, एक्सरसाइज 3E निकालिए, देखिए आप लोग, ये है आपका एक्सरसाइज 3E का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एड द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हम पहले से ही क्वेश्चन देख लिए हैं, 1, 10, 100, 1000 करके, ऐसे आप लोगों को ऐसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट पे प्लेस वैल्यू पे क्रिए मतलब नंबर को कॉलम में अरेंज करके सही तरीके से ऐड करना है। तो आइए हम देखते हैं इसको ऐड करते हैं। अगर हम 0 को 9 से, 9 को 0 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम होता है, तो ये क्या होगा, 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 9 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा, 16। ये क्या है, ये 2 डिजिट नंबर हो गया, 16 हुआ ना, 2 डिजिट नंबर। तो इसमें क्या है, ये 1 प्लेस पे इसका जो है ये प्लेस मतलब ये नीचे हम लिख देंगे 6 यहाँ पे, और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे कैरी, 1000 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे कैरी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग कैरी वाला ऐड जानते हैं, सिखा चुके हैं हम आपको पहले। और यहाँ पे क्या होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 9699, मतलब 9699। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं सेकंड नंबर, इसका एफ नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 1 का एफ नंबर है। तो क्वेश्चन देख करके हम लोगों को लग रहा है कि ये जो है कैरी वाला ऐड है, क्योंकि 7 और 6 को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, हमको डबल डिजिट नंबर मिलेगा, क्योंकि देखते हैं 7 और 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, क्या होता है, 13, 13 जो है 2 डिजिट नंबर है, तो हम राइट हैंड साइड वाला डिजिट को क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और 1 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, आप लोग 1 यहाँ पे लिखिएगा। फिर क्या है, 5 और 3 क्या होगा, 8, 8 और 1 क्या होगा, 9, 9 जो है वो क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, 9 सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसमें कैरी नहीं हुआ। फिर क्या है, 8 और 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 9, तो इसमें कोई कैरी नहीं हुआ। अब 100 प्लेस पे क्या है, ये था 1 प्लेस का, ये 10 प्लेस का ऐड किए, ये 100 प्लेस का ऐड किए, 100 प्लेस पे क्या है, 8 प्लस 2 है, क्या है, 8 प्लस 2, तो ये हो गया 10। तो 100 प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये 1 जो है कैरी हो जाएगा कहाँ, 1000 प्लेस पे। देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं 1, 10, 100 लिख करके बताएं और ऐड किए, डिजिट को लिख करके ऐड किए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लेस पे क्या है, 7 और 6 है, तो ऐड किए 13 हुआ, 3 इसका यहाँ पे 1 प्लेस पे लिखे 1 था, 10 प्लेस पे चला गया। फिर अगर हम 10 प्लेस को ऐड किए तो क्या हुआ, 9 हुआ, 9 सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसमें कैरी नहीं हुआ। फिर 100 प्लेस को ऐड किए तो उसमें कैरी हुआ, 0 हुआ, 1 चला गया, 1000 प्लेस पे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1000 प्लेस, यहाँ पे क्या है आपका, 1 कैरी है प्लस 4 प्लस 2, तो ये क्या हो गया, 4 टू 6 और 1 7, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7, तो ये हो गया ऐड।
वो हम समझाने के लिए साइड में लिखे हैं, ऐसा क्या आप लोग कॉपी में लिखिएगा, आप लोग डायरेक्टली ऐड कीजिएगा। अब वीडियो को गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉलम एंड ऐड। मतलब सब जैसे हम आपको एक्सरसाइज हम बता ही दे रहे हैं अभी आपको। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड ऐड। ये हम क्वेश्चन लिख के तैयार हैं और अब इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम वही प्लेस सर्विस होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। और कॉलम होता है जिसको हम मतलब इस नंबर को इस नंबर के नीचे लिखेंगे कॉलम वाइज, ये कॉलम होता है और ये रो होता है। हम इसको लिखते हैं 5, 8, 6, 2, 4, 1, 2, 2। इसको क्या करना है, इसको हम कॉलम में अरेंज करते हैं, ऐड करेंगे। आप लोगों ने देखा कि हम जो है ये 5, 8, 6, 2 इधर से लिखे, लेकिन ये गलत तरीका है। आप लोग जब भी लिखिएगा तो लिखिएगा 2, 6, 8, 5, 2, 2, 1, 4, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर में, तो उससे समझ में आएगा कि आप लोग कहां क्या मिस्टेक कीजिएगा, कैसे इसको अरेंज करना है जो कि सही होगा। तो अभी तो हम इसको अरेंज किए और इसको ऐड करेंगे, क्या 2, 2, 4, 6, 2, 8, 8, 1, 9 और 5, 4, 9। बस ये भी जो है ये चैप्टर मतलब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है कॉलम में अरेंज करना, ऐड करना है। इसमें कुछ हमको लगता है विदाउट कैरी है और कुछ कैरी वाला भी ऐड होगा, तो आप लोग कीजिएगा। अब इसमें थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो वो दोनों हम आपको बता रहे हैं। ये है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, एट द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें क्या है, वन स्टैंड हंड्रेड थाउजेंड प्लेस है ही, और इसमें वन नंबर है, टू नंबर, थ्री नंबर। जैसे कि आप लोग अभी फोर डिजिट का नंबर ऐड कर रहे थे, इसमें क्या है दो नंबर को ऐड कर रहे थे, इसमें क्या है तीन नंबर दिया हुआ है। हम इसको ऐड करेंगे, देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हम वन प्लेस को ऐड करेंगे, तो इसमें क्या है वन प्लेस में क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं वन प्लेस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। वन प्लेस में क्या है, 4 + 7 + 4, ये क्या होगा 4, 4, 8 और 7। अगर हम इसको टोटल ऐड करेंगे, आप जिस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या होगा 15 है। 15 का हम क्या लिखेंगे 5, और 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा मेरा, तो ये 1 कैरी हुआ। अब क्या है टेंस प्लेस में क्या 1 है, 8 है, 4 है और 1 है, क्या 1 + 4 + 8 + 1। इसको अगर हम ऐड करें तो क्या होगा 8 और 1 9, 9 1 10, 10 4 14। आप जिधर से भी जैसे ही आप कर सकते हैं, जैसे 4 1 5, 5 में 8 अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 13, 13 1 14। आप जिधर से भी कर सकते हैं इसको ऐड, तो इसका रिजल्ट आएगा 14 ही आएगा, इसका ऐड सम जो होगा इसका 14 होगा। 14 का क्या करेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे और 1 जो है ये क्या होगा कैरी हो जाएगा यहाँ पे। फिर 100 प्लस में क्या है 1 + 4 + 4 + 8। हम देखते हैं क्या है ये 4 और 1 क्या होगा, इन सब डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका सम क्या आएगा, हमको सम लिखना है। अगर हम डिजिट को ऐड करते हैं उससे जो रिजल्ट आता है उसको हम सम कहते हैं। तो ये 4 और 1 क्या होगा 5, 5 और 4 क्या हो गया 9, 9 और 8 17, 17 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 और 1 यहाँ पे कैरी जाएगा। फिर थाउजेंड प्लेस हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 1 + 4 + 2 इक्वल टू क्या होगा 4 1 5, 5 और 2 7, तो यहाँ पे हो गया 7। आप देख रहे हैं कि हम ऐड कैसे किए, आप लोग वैसे ही कीजिएगा। जितना भी टोटल नंबर है, टोटल क्वेश्चन है, वो आपको कॉपी में करना है, साफ साफ कीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। अब हम आपको बताते हैं फोर नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा आप, इसका कोई एक नंबर हम बताएंगे, ABC 3 क्वेश्चन है दिया हुआ और इसको आपको करना है कॉपी में। ये हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, 4 का बी नंबर क्वेश्चन हम लिखे हैं, बी नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है 4155, 3257 एंड 1628, ये क्या ये नंबर्स है, ये नंबर जो है नंबर नेम में लिखा हुआ है, डिजिट में नहीं है। इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम पहले लिखते हैं
वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। सबसे पहले देखते क्या फोर थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव, थाउजेंड प्लस में क्या है फोर, वन हंड्रेड, हंड्रेड प्लस वन है और फिफ्टी फाइव, यहाँ पे फिफ्टी फाइव लिखेंगे। आप लोग केयरफुली पढ़िएगा, ऐसे कीजिएगा कि कोई डिजिट छूट ना जाए, ठीक है। थ्री थाउजेंड, थाउजेंड प्लस के थ्री होगा, टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन, क्या है फिफ्टी सेवन। फिर है वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या होता है। पहले वंस प्लस को ऐड करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड, वंस प्लस पे है फाइव प्लस सेवन प्लस एट, ये क्या होगा अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा ट्वेंटी, क्या होगा ट्वेंटी। तो यहाँ पर हम ट्वेंटी लिखते हैं, यहाँ पे वंस प्लस हो जाएगा जीरो और टेंस प्लस का कहाँ टू चला जाएगा कैरी में। फिर टेंस प्लस पे क्या है टू प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस टू, ये क्या है ये ऐड करके क्या होगा फाइव टू सेवन और फाइव टू सेवन, सेवन सेवन फोर्टीन। अगर इसको टोटल ऐड करें तो ये होगा फोर्टीन, फोर्टीन का फोर हम यहाँ पे लिखेंगे और वन कैरी चला जाएगा हंड्रेड प्लस पे। फिर हंड्रेड प्लस से क्या है वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन, ये जो है वन कैरी है, फिर वन है प्लस टू प्लस सिक्स। आप लोग ऐसे ही कीजिएगा देख देख के डिजिट को, नहीं तो जैसा भी हमसे मिस्टेक हुआ, अगर आपसे मिस्टेक होगा तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग जरा केयरफुली ऐड कीजिएगा, ये क्या हो गया वन वन टू, टू टू फोर, फोर और सिक्स क्या हो गया टेन, टेन वन टेन का जीरो यहाँ वन यहाँ पे होगा। फिर थाउजेंड प्लस से क्या है वन प्लस फोर प्लस थ्री प्लस वन, ये क्या होगा फोर वन फाइव, फाइव थ्री एट, एट और वन नाइन, यहाँ पे नाइन हो गया। इसका आंसर आप लोग अगर इतना कर दीजिएगा ये तो सही है, फिर इसको क्या कीजिएगा इसका आंसर लिखना होगा आपको से नाइन थाउजेंड, हंड्रेड प्लस से कुछ नहीं है, ये क्या फोर्टी, टू आर टी क्या हो गया इसका आंसर नाइन थाउजेंड फोर्टी, इसका आंसर हो गया। ये आपका थ्री ई थ्री बी एंड थ्री ई कंप्लीट हो गया। आप लोग कॉपी में कीजिएगा, कॉपी में करके कॉपी चेक करवाने के लिए जरूर आइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।